वेलकम गाइज, आप लोग का पटेल गेमिंग में स्वागत है। तो चलिए हम जा रहे हैं आज अपने शोरूम में। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है। तो शोरूम में कुछ सीसीटीवी कैमरा लगाना है यार, वहाँ से गाड़ी बहुत चोरी होती है। तो चलिए हम जा रहे हैं अपनी फॉर्चुनर से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, और मैकेनिकल के बुलाएंगे वहाँ पर लगाने के लिए, इलेक्ट्रीशियन के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जा रहे हैं अभी शोरूम। तो चलिए गाइस, अभी जा रहे हैं शोरूम, अभी निकल पड़े हैं मतलब घर से शोरूम के लिए। तो चलिए रास्ते में चलते हैं, अभी जा रहे हैं शोरूम। तो चलिए मस्त गाइस, अपने शोरूम पहुंच चुके हैं और देखते हैं गाड़ी और यहाँ पर कैसी कैसी है मेरा, और कैसी नहीं है, और कैसे लगाया है यार, कैसा है हेल्पर, कैसा नहीं। यार हेल्पर रहता है यहाँ पर, अच्छे से काम नहीं करता है वो लोग, बहुत मन से नहीं काम करता है यार, पता नहीं कैसे कैसे। तो चलिए हम देखते हैं कैसी। अरे यार यहाँ पर तो अच्छे से गाड़ी लगाया करो यार। अरे यार कोई है नहीं यार, बोले किससे बोले यार, पेमेंट फालतू का लेता रहता है और घूमने भी नहीं आता है यहाँ, कैसा कैसा है गाड़ी कैसा नहीं आता है। अरे भाई थोड़ा बहुत घूम लिया कर यार, कहाँ पर है यार पता नहीं। चल यार घूम लेते हैं, हम भी घूम लेते हैं, मेरा गाड़ी हम भी घूम लेते हैं यार, क्या हो जाएगा घूमने से। तो चलिए हम देख लेते हैं, के टी एम भी था यार, के टी एम को भी देखना है यार, किधर है के टी एम। अरे यार के टी एम को इधर भी लगाया यार, एक साइड कोई गाड़ी ही लगा नहीं लगाता यार। चलो इसमें कैमरा पहले लगा लेते हैं इसी बिल्डिंग में। गाइस पूरा शोरूम में कैमरा लगाएंगे, क्योंकि कैमरा से सेफ रहता है यार, कैमरा नहीं रहता है तो सेफ नहीं रहता है यार। तो देखिए यहाँ पर भी शोरूम में कैमरा लगाना है, यहाँ पर तो जरूरी है कैमरा लगाना है यार, यहाँ पर डक्ट मेरी रहती है पूरी, तो यहीं पर कैमरा लगाना है। तो चलिए हम जा रहे हैं मैकेनिकल के पास, मतलब इलेक्ट्रीशियन के पास जा रहे हैं, और बोलेंगे कि आप टेंडर ले लो भाई, कैमरा लगाने के लिए कितना लगेगा मेरे से बोल दो। तो मस्त अभी जा रहे हैं यार इलेक्ट्रीशियन के पास, बात करेंगे यार कहाँ इलेक्ट्रीशियन। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी, अभी जा रहे हैं फॉर्चुनर से यार, बहुत खर्चा होता है यार, क्या करें यार। तो चलिए मस्त अपनी फॉर्चुनर में बैठते हैं और जाते हैं यार। फॉर्चुनर बहुत मस्त लगती है, आरजीबी कलर वाली फॉर्चुनर है ये, 28 लाख के पड़ी है यार, मतलब आरजीबी कलर ले होकर 40 लाख लग गया है यार, पता नहीं यार। तो चलिए हम जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के पास। तो मस्त हम लेकर आ चुके हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर भी कैमरा लगाना है, और इधर आइए और देखिए यहाँ पर भी कैमरा लगाना है यार। चारों ओर के बता दो कितना लगेगा पैसा यार, चारों तरफ के बताओ कितना लगेगा पैसा यार, हम दे देंगे। देखो भाई चारों तरफ के कैमरा के लेकर मतलब 2 लाख लग जाएगा। अरे यार 2 लाख लगेगा, कम में कर दो। अरे भाई कम में नहीं होता है, कैमरा महंगा आता है। ओके भाई लगा दो। तो गाइस यहाँ से जा रहे हैं हम घर, अभी घर निकलने वाले हैं, एयरपोर्ट से बाजू में एयर रोड जाता है घर मेरा। तो चलिए हम जा रहे हैं। अरे यार किसका फ़ोन आ रहा है, तो चलो गाड़ी साइड में लगा लेते हैं यार, देखते हैं किसका फ़ोन आ रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं यार, गाड़ी मेरा साइड में चलती है अच्छे से यार, चल यार अच्छे से थोड़ा लगा लेते हैं साइड में, और देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। अरे यार ये तो रमेश भाई की कॉल है। हाँ रमेश भाई बोलो। अरे कहाँ पर हो भाई। अरे भाई हम एयरपोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। अरे भाई आ जाओ एयरपोर्ट में, तो मेरा शोरूम है। अरे भाई टाइम नहीं है प्लीज़ भाई, अपने शोरूम से आ रहे हैं कैमरा का ऑर्डर देकर यार, कैमरा लगाना है मेरे शोरूम में, बहुत चोरी होती है गाड़ी। नहीं भाई आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा आज उद्घाटन है शोरूम का, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है भाई जब जीत कर रहे हो तो आ रहे हैं। ओके भाई आ रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी जा रहे हैं रमेश भाई के शोरूम पे यार, उसका उद्घाटन आ जाए ना। तो चलिए हम जा रहे हैं शोरूम पे, अभी आए हैं एयरपोर्ट के बाजू में, तो क्या झूठ बोले यार। तो चलो हम चल दिए शोरूम के उनके उद्घाटन देखने के लिए, थोड़ा मिठाई और उठाई खाएंगे यार, क्या करेंगे। तो मस्त गाइस अभी जा रहे हैं यार। अरे भाई ये शोरूम बनाए हैं कि क्या बनाए हैं यार। तो चलो बचा के गाड़ी चलना पड़ेगा यार, क्योंकि ये शोरूम में हम नहीं चलाए हैं ना गाड़ी, आराम आराम से चलाना पड़ेगा यार। अरे यार ठुक गई पहले ही गाड़ी मेरा यार, नुकसान बहुत होता है मेरे तरफ, पता नहीं यार क्यों। तो चलिए गाइस अभी जा रहे हैं हम रमेश भाई के शोरूम पे ऊपर। तो चलिए गाइस अभी जा रहे हैं मस्त, अभी गाड़ी चला रहे हैं शोरूम। अरे री 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 यार जा 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 जा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। चलो रमेश भाई के पास कॉल लगाते हैं यार, नहीं आ पाएंगे। हाँ रमेश भाई हरेगी यार, हम घर जा रहे हैं यार, क्या करें, तुम्हारे शोरूम पे आधे पे आके अटक गए यार, तुम शोरूम 30 फ्लोर के बनाए हुए यार, ऊपर नहीं आ सकते हैं ठीक है। अरे रुको भाई आ रहे हैं, क्यों चिंता करते हो। अरे गाड़ी कैसे उलट गई, आ रहे हैं रुको, 30 फ्लोर से आ रहे हैं लिफ्ट से हम। अरे नहीं भाई रहने दो, ओके हम जा रहे हैं। अरे भाई मेरी गाड़ी तो उलट गई यार, चलो आधा तो ठुकी है यार, थोड़ा बहुत बच गया, मेरा जान बच गया, बहुत अच्छा है यार। तो चलो हम जा रहे हैं अभी, रमेश भाई के तो आए थे लेकिन पोकट हो गया यार बीच में। तो चलिए हम जा रहे हैं हार्दिक भाई के गैरेज पे, हार्दिक भाई के गैरेज में देंगे और यह गाड़ी बनवाने के लिए यार, हार्दिक भाई के गैरेज पर आ पहुँचे यार। चलो देखते हैं कितना खर्च लगेगा यार, मम्मी मेरी क्यों डांटेगी यार। तो चलो हार्दिक भाई से हम बात करते हैं यार, हार्दिक भाई कहाँ हैं। तो चलिए हम कॉल लगाते हैं हार्दिक भाई पे।
हार्दिक भाई कहाँ हो? अरे यार हम तो अभी बिजी में ही यार, अपनी बीवी के साथ है, अभी तो आए हैं टूर पर। अरे भाई आ जाओ ना यार, मम्मी मेरी डांटेगी यार, बीवी को छोड़ो यार, बाद में बीवी से बात कर लेना भाई, मेरे ही मम्मी मारेगी यार, बहुत मार मारेगी, मेरी गाड़ी ठुक गई है यार, उलट गई है रमेश भाई के शोरूम से। ठीक है भाई चिंता मत करो यार, तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे। ठीक है भाई जल्दी आ जाओ यार, दाम पानी बताओ कितना लगेगा, जल्दी ठीक कर दो यार। ओके भाई आ रहे हैं। अरे भाई आ रहा है यार भाई, हार्दिक भाई यार, हार्दिक भाई से बात करना पड़ेगा, कितना दाम लगेगा यार। मम्मी तो मेरे को मारेगी यार, बहुत मार मारेगी यार, पापा से नहीं बोलेगी लेकिन मेरे को मारेगी यार, मम्मी से डर है। अरे हार्दिक भाई आ गए यार, हार्दिक भाई कैसे उलटे पुलटते आते हैं यार, चलो हार्दिक भाई से बात कर लेते हैं। हार्दिक भाई कितना खर्च लगेगा यार, देखो बोनट उड़ गया है, चक्का उड़ गया है यार, सब खर्चा गया गाड़ी में, कम से कम 5 लाख लग जाएगा सर्विस कराने में। अरे भाई इतना लगेगा यार, कम बेसी कर लो यार, मेरे पास इतना पैसा नहीं यार, क्या करे यार, घर के मालिक थोड़ी है यार, 4 लाख दे देना। ठीक है भाई डन हुआ, ओके ले लेना। चलो भाई रमेश भाई के साइकिल से जा रहे हैं यार, क्या करे यार, मेरी गाड़ी तो ठुक गई है, बनवाने के लिए दिए हैं यार, मम्मी से छुपे दिए हैं क्योंकि मम्मी जान जाएगी तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगा यार। अरे यार साइकिल भी कम नहीं है यार, RGB कलर वाली साइकिल है, कितना मस्त है यार। तो चलिए हम घर यहाँ पहुँचे हैं और कपड़ा वपड़ा बदलते हैं आराम से और जाएंगे टहलने के लिए कुछ अपनी घर के तरफ, मतलब दूसरे वाले घर के तरफ, दूसरे फ्लैट है ना मेरे, वहाँ पर जाएंगे टहलने के लिए। तो चलिए हम अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और जा रहे हैं, पूरा मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे गाइज, क्या करें, पूरा बहुत गर्मी हो गया यार, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार, 4 लाख रुपया लगेगा यार, पता नहीं यार शोरूम में उतना कमाई नहीं हुआ उतना लग जाएगा। तो मस्त गाइज अपने कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, अब जा रहे हैं घूमने के लिए, अपनी RGB वाली कलर से, मतलब हार्दिक भाई की साइकिल है भाई, मेरा साइकिल नहीं है यार, हार्दिक भाई के साइकिल है, तो हार्दिक भाई के साइकिल से जाएंगे घूमने के लिए। तो चलिए गाइज घूमने चल दिए टहलने के लिए, थोड़ा टहल लेते हैं यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मस्त अभी टहल रहे हैं यार, कितना मज़ा दे रही है यार, अपने दूसरे वाले घर पे जा रहे हैं। अरे यार साइकिल भी कितना मस्त दे रही है मज़ा चलाने में यार। तो चलिए गाइज अपने दूसरे वाले घर पे आ गए, देख सकते हैं ना यहाँ कितना कितना मतलब घर है। तो अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलिए दादा क्या है? अरे तुम्हारा एक लॉटरी लगा है क्या है? अरे रैंप जंप करोगे ना तुमको 50 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा बात है क्या? अरे घूमते फिरते क्यों रहते हो यार, कुछ कर लो, बॉडी सोडी वाला आदमी हो। ठीक है भाई चलो गाइज, काका बताए हैं कुछ रैंप जंप है ना, तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी जंप करने के लिए यार। तो आ गए जंप ही करने के लिए यार, यहाँ पर कैसे है यार जंप है, अभी कॉल लगाना पड़ेगा यार काका के पास। अरे चलो यार काका के पास कॉल लगा देते हैं, कैसा कैसा रैंप जंप है। हाँ हेलो काका, अरे यार ये कैसे कैसे गाड़ी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, ये कहाँ से छलांग लगाना है, कहाँ से जंप लगाना है? अरे तुमको सब समझ में आएगा, पहले गाड़ी पे बैठो और हेलमेट लगाओ। ठीक है काका जैसे बोल रहे हो वैसे कर रहे हैं यार, कुछ तो पैसा के लिए करना पड़ेगा यार। ओके काका हम रखते हैं कॉल। ठीक है बेटा रोको। चलो गाइस अभी जा रहे हैं हेलमेट लगाकर अभी जंप करने के लिए यार, रंप जंपिंग करने के लिए जा रहे हैं यार, क्या करें यार, कुछ पैसा कमाने के लिए तो करना पड़ेगा यार। चलो अभी जा रहे हैं गाइस। अरे यार डर तो लग रहा है यार, और ये यार कितना आसमान में खेल रही है यार गाड़ी, रैंप जंपिंग ये कैसा है यार, ये कैसे है रैंप जंपिंग यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी तो मस्त है यार, कितना चलाने में मज़ा आ रहा है यार, वाह वाह वाह। चलो एक और बचा है यार, देखते हैं क्या जीत जाएंगे या मर जाएंगे यार। चलो यार रहा, बच तो गए यार लग रहा है, नीचे जाने पर ही यार नीचे जाएंगे यार, अब तो नहीं बच पाएंगे यार, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है यार। ओ गाइज चलो गाइज मेरा तो एक पाव गया यार, पता नहीं कैसे। भाई देखिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना गाइज।